हेलो भाई लोग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद आप एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई लोग, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। और भाई लोग, अभी ना मैं अपने घर पे हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अपने प्यारा सा ताजमहल दोस्तों। और ये भी दोस्तों, मैं कर रहा हूँ वीडियो स्टार्ट। तो आप से विनती है, वीडियो लास्ट तक देखते रहना भाई। बहुत बुरा लगता है जब दोस्त मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाता हूँ यार, और आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखते नहीं यार। क्या फायदा वीडियो बनाने का यार? तो देखा आप प्लीज लास्ट तक देखते रहना। और अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरी मम्मी जी और ये रहा मेरा भाई दोस्तों। और मेरी मम्मी जी दोस्तों थोड़ी यहाँ पे कपड़े दोस्तों, कपड़े बहुत दोस्तों गंदे हो ही पड़े थे, तो इसलिए दोस्तों अभी मम्मी जी हैं वो दोस्तों कपड़े धो रही हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें दोस्त मेरा को बताया था कि क्या मैं लाइव वॉचिंग करना चाहिए, मेरे को भी लाइव आना चाहिए। तो उसमें दोस्तों आपको कुछ भी कमेंट नहीं आया था भाई। इस बार प्लीज़ दोस्तों कमेंट करो नीचे और बताओ दोस्तों क्या मेरे को भी लाइव करना चाहिए। अगर हाँ इस वीडियो कमेंट आ गए तो मैं संडे को जरूर दोस्तों लाइव आऊँगा। जैसे दोस्तों आप शनिवार को मेरे ब्लॉग ये देख रहे हो, कल है संडे, तो कल जरूर मैं लाइव आएगा। अगर आपको कमेंट आ गए तो जितनी ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए, लाइव आने से आपका भी फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों लाइव चैनल प्रमोशन भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है कि दोस्तों मुझे पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो आपको वॉचिंग में पता चल जाएगा, लाइव वॉचिंग। लेकिन सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है? हाँ दोस्तों, अब देखो मम्मी जी, देखो आलू काटने के लिए रख दिए हैं, लेकिन मम्मी दिखाता हूँ वो कहाँ पे हैं। वो देखो मम्मी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। पता क्यों गई हैं? क्योंकि दोस्तों पूरे आज जो 2 दिन बाद हमारे यहाँ पे लाइट आई हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों स्वर्ग में आ गए हो, ऐसा हमको फील हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो लाइट आती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, बहुत कम आती है लाइट। अभी दोस्तों 2 दिन के बाद आई है, शायद खराब हो गई थी, आज लाइट आई है। तो इसी वजह से पानी भरा था अपने बाल्टियों में, और जो उधर रखा हुआ पिछले डीज को हमने बोर्ड बांध लिया ताकि पानी ठंडा रहे। देसी फ्रिज जैसे एक काम करता है, इससे में दोस्तों पानी भरा था और सारा चीज पानी भरा था सारे बर्तनों में, ताकि दोस्तों पीने के काम आए वो। अब लाइट जा चुकी है, अब पता नहीं दोस्तों कब आएगी, कुछ पता नहीं। और मैं कपड़े भी चेंज कर लिए, यानी कि मैं नहा भी चुका हूँ दोस्तों, ठीक है? अभी सफेद शर्ट में था, लेकिन शर्ट भी चेंज कर लिया है मैंने। और इस अंदर रही मेरी मम्मी जी, जो ताजमहल है दोस्तों। और दोस्तों आपने मेरे ताजमहल के अंदर का सीन देखा है क्या? ये कुछ ताजमहल है, और इस ताजमहल के अंदर आपको दिखा दूँ तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो दिखाता हूँ आप लोग, मुझे नहीं पता दोस्तों देख पाओगे या फिर नहीं। देखो दोस्तों, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी देखो लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और आपको दिखाएगा भी नहीं। और ये देखो एक लाल लाल बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा, और लाइट पता चल रहा है तो डिम लाइट है, बस ये एक छोटा चार्जर का बल्ब जल रहा है, पता ही नहीं चल रहा दोस्तों क्या है। ये देखो आप थोड़ा आपको कुछ दिखा होगा, ये दोस्तों ताजमहल के अंदर का कुछ सीन था, तो माफ करना दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, माफ करना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे ताजमहल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे है तो आपको नहीं दिखा सकता, लाइट आएगी जब दिखाऊंगा, ठीक है? तो अब फाइनली मेरी मम्मी जी अब आ पाई दोस्तों, इतनी देर में देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ लाइट दिखाई नहीं रहा है बिल्कुल भी, और हमारे घर पे हमारा चार्जर जल रहा है। इसका मतलब समझ रहे थे यार? इसका मतलब ये हुआ, रसगुल्ला सामने रखा हुआ थाली में, मगर उसे खा नहीं सकते, ऐसा सब हो गया। यानी कि लाइट चल रही है पर हम ट्यूबवेल नहीं चला सकते यार, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं घर देखा तो लाइट चल ही नहीं रही बिल्कुल भी, यानी कि दोस्तों मेरे घर तो लाइट चल रही है, यानी कि उसमें नहीं मालूम पड़ रही है, बस हल्का हल्का एक छोटा सा बल्ब चल रहा है, अभी चल रहा है शायद। ये देखो भाई, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ भाई लोग, अभी जो है दोस्तों मैं अपनी घर से थोड़ा दूर आ चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे रोड पे चल रहा है ना रोड, इसी वजह से मैं घूमने के लिए डेली आता हूँ, क्योंकि अभी है दोस्तों शाम का टाइम, तो शाम सूर्य एकदम डूब चुके हैं, तो अभी मस्त देखने धूप नहीं निकली हुई है, तो इस पर मैं ना बल्कि काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन वो अभी नहीं है, ठीक है? तो इसी दोस्तों मैं भी आ गया हूँ। तो आप दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वो दोस्तों मैं ब्लॉग शुरुआत में बताने वाला था, लेकिन अब बता रहा हूँ, ठीक है? वो लाइव भी तो बता दिया, तो आपने जैसे कि देखा होगा कि कल मैंने एक ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, बल्कि मैं दोस्तों डेली वीडियो डालता था, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। पता है दोस्तों कैसा क्यों हुआ? पता क्यों हुआ वो तो आपको रीजन में एक बता दिया, एक तो लाइट का रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि सही से अपलोड ही नहीं हो पाया था यार वो वीडियो। अब मतलब कि मैंने सोचा वीडियो अपलोड हो गया होगा, लेकिन अपलोड ही नहीं हो पाया था, तो इसलिए दोस्तों वो अपलोड मेरे से नहीं हो पाया। मैंने सोचा वीडियो चेक करता हूँ कितना हुआ है, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुआ था यार, जब तक नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, इसी वजह से दोस्तों अपलोड नहीं हो पाया। और दूसरी कारण लाइट का है, ठीक है? लाइट भी वैसे नहीं आ रही थी, कोई डर नहीं दोस्तों, एक दिन मिस हुआ, ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? तो अभी वीडियो आपके साथ पहुँच गई होगी, ठीक है? तो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ का सीन दिखाता हूँ, फिर दोस्तों अब मिलेंगे आपको कल सुबह ही एक नई वीडियो के साथ में, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले कल सुबह का दृश्य दिखाते हैं, फिर दोस्तों एंड करेंगे, अभी नहीं करने वाला, ठीक है?
और गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली सुबह हो चुकी है और सुबह का नाश्ता बनना भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो मम्मी बना रही है थोड़ा चाप का सब्जी, जैसे तो चाप है। एक बार मम्मी से भी पूछ लेते किसका सब्जी है, मेरे को चाप का देखने मिल रहा है। ये देखो मम्मी इसको ना अच्छे से यानी कि पानी धुल लिया है, इसको ना पानी निकाल दें अच्छे से, और आज मस्त एकदम चाप बनने वाली चटपटी सब्जी बनने वाली है। चपटा चटी कह रहा हूँ, कहने नहीं आ रही यार। तो इसमें लिख लिए पूरी टोटल है कितनी है, एक दो तीन और ये रख दिया पाँच, टोटल देखो पाँच हो चुकी है दोस्तों ये। और ऐसा कुछ चाप बनेगा, और मम्मी से पूछते हैं एक्चुअली बन क्या रहा यार। उधर सब्जी रखा हुआ है प्याज का, थोड़ा यार टमाटर कटा हुआ रखा हुआ है, कुछ भी बोल दे रहा हूँ यार जल्दबाजी में। मम्मी भी आ चुकी हैं अपना कंडा लेके, फिर दोस्तों चूल्हे पे बने। अभी पैकर कितने का है ये कि अक्का का, तो तुम्हारे पापा लाए। अच्छा जी, अब जिस पन्नी में रख के आई थी ये उसी को जला दिया। वो देखो दोस्तों ये सही है भाई साहब, क्योंकि आगे भी जलाना जरूरी था ना, इसीलिए गैस तो है नहीं। अगर गैस होता ना तो वक्त पे जाता, लेकिन अब इसको जलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो लकड़ी रख दिया और ऊपर से नीचे रख दिया पिन्नी, और इधर रखा हमारा चाप दोस्तों जो बनने वाला है। ठीक है, और ये देखो दोस्तों एकदम मस्त हमारे पकौड़े बन चुके हैं। ये देखो एकदम बन के रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें पानी लगाना बाकी है, और पानी लगा देंगे फिर ये गाड़ी गाड़ी एकदम बन जाएंगे। लग गया पानी। दोस्तों ये वाला वीडियो पे एंड कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी जो है सुबह भी हो चुकी है और इधर नाश्ता भी बन के तो रेडी हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद भाई लोग आपको, यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। भाई कोई मेरा वीडियो यहाँ तक नहीं देखता, आपने देख लिया भाई, दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, फिर लाइक करना फिर सब्सक्राइब कर देना, दोनों काम कर लो यार, बहुत अच्छा लगेगा यार। मैं ऐसे ब्लॉग बनाया है, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। और जो आपको मतलब कि कमेंट है यानी कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कमेंट कर दो, उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा आने वाली वीडियो में। कल संडे है तो कल आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो जल्दी कमेंट करो क्यों वीडियो आने वाली। और कल मस्त हुई तो क्यों वीडियो होने वाली, क्योंकि दोस्तों कुछ फनी कमेंट भी है, उनकी भी आंसर देने वाला हूँ। कल की वीडियो मजा आएगा, तो कल का वीडियो वेट करिए। तो मिलेंगे कल सुबह नई वीडियो साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।